आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को पूर्वी चंपारण मोतिहारी में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का समाज सुधार समारोह जीविका समूह के कार्यक्रम में आगमन होगा। इस परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी श्री शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक श्री नवीन चंद्र झा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के शुभ अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु गांधी मैदान मोतिहारी में जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया गया। और किसी भी अभियान की पहली शुरुआत जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए ये जो पहला कार्यक्रम है इसको उत्कृष्ट तरीके से करने की का दायित्व है हम सभी लोगों के ऊपर है, क्योंकि इस बार कोविड परिप्रेक्ष्य में ये अभियान शुरू हो रहा है। उन्होंने सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी लोग कोविड-19 प्रोटोकॉल नियम का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि पार्किंग, शौचालय, पीने का पानी, फ्रिस्किंग महिला एवं पुरुष, हेलीपैड, ड्रॉप गेट, आवागमन विधि व्यवस्था दुरुस्त करने आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। मोतिहारी ब्यूरो, रोहित झा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बहुआयामी समाज सुधार अभियान की शुरुआत जो है पूर्वी चंपारण जिले से कल की जा रही है। इसी की तैयारी के लिए यहाँ पे पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी की ब्रीफिंग आज आयोजित किया गया था। इसमें दहेज मुक्ति, बाल विवाह प्रथा, नशा मुक्ति बिहार एवं अन्य जीविका के भी जो कार्यक्रम है, सतत जीविकोपार्जन योजना वगैरह, इस पर एम्फेसिस रहेगा। और साथ ही में एक समीक्षात्मक बैठक भी की जाएगी, क्योंकि बापू जी की धरती है और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि यहाँ से शुरुआत हो रही है समाज सुधार अभियान की। तो मैं पूर्वी चंपारण जिलावासियों को भी धन्यवाद देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।